सो हेलो बच्चों, सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। सो ऑलरेडी हम ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट्स कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सो ग्राफ्स बेसिकली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, बिकॉज ग्राफ्स काफी सारी चीजें हमें समझने में हेल्प करते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, हर एक ग्राफ की हम यहाँ पे बात करेंगे और इन डेप्थ यहाँ पे मैं तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे ग्राफ बन के आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी अभी चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस भी कर चुके हैं और साथ में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर भी करवा दिया है। ये सारी वीडियोस तुम्हें हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, वो वीडियोस भी तुम्हें नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि ग्राफ्स को पढ़ना या ग्राफ्स के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी चीज को जब हम रीड करते हैं तो उसको याद रखना या उसको समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है, आप ज्यादा डिटेल में जब पढ़ोगे तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन वहीं पर अगर एक टेक्स्ट की जगह अगर हम एक पिक्चर को देख लें, पिक्चर एक्सप्लेनेशन देख लें किसी चीज का या फिर वीडियो में एक्सप्लेनेशन देख लें किसी चीज का, तो वो हमें ज्यादा आसानी से, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाता है। तो वही चीज है ग्राफ्स के बारे में भी। तो जब भी हम किसी चीज का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक पिक्चर बना देते हैं या फिर एक ग्राफ फॉर्म कर देते हैं, तो उसको देख के उस फंक्शन में, मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो उस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में, वो फंक्शन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, इसको समझना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। आप जब भी उस फंक्शन के बारे में सोचोगे आपको वो इमेज याद आ जाएगी और उसके बारे में कोई टेक्स्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे। तो इसीलिए ग्राफ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके होते हैं साइन, एक इसका ग्राफ होगा कॉस, थर्ड टैन, और फिर इन्हीं के रेसिप्रोकल्स कौन कौन से होते हैं? टैन का होता है कॉट, फिर उसके बाद कॉस का क्या होता है? ये होता है सेक, और साइन का क्या होता है? ये होता है कोसेक। सो इन सभी फंक्शंस के हम यहाँ पे ग्राफ देखने वाले हैं, तो चलो एक एक करके इनको लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के ग्राफ की। तो बेसिकली ग्राफ को फॉर्म करने के लिए जितने भी ग्राफ हम बनाते हैं, वहां पे हमें दो चीजों के बारे में जानना होता है। एक तो हमें x वाले पॉइंट्स पता होने चाहिए और y वाले पॉइंट्स पता होने चाहिए। मतलब कि हमें x और y सारे पता होंगे अगर पॉइंट्स, तो हम उनको प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे, और जितने भी पॉइंट्स हमारे बनते हैं हम उन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से या फिर कर्व से ज्वाइन कर देते हैं, तो वही हमारा ग्राफ फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर साइन की बात करें तो ग्राफ अपने आप नहीं आएगा, हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज इसके बारे में जाननी पड़ेंगी। तो कुछ वैल्यूज हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज पढ़ रखी हैं। सो अगर 10th का थोड़ा सा याद करोगे, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में तुमने स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ साइन, मतलब सारे ही फंक्शंस के बारे में स्टैंडर्ड वैल्यूज तुमने पढ़ रखी हैं, जैसे कि साइन ऑफ 0 डिग्री होता है 0, उसके बाद साइन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/2, फिर साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड 90 1। तो ये होती हैं वैल्यूज साइन की, अगर 0 से 90 डिग्री तक हम बात करें। इस बार नया क्या आया है? इस बार नया ये हुआ है कि इस बार डिग्री के साथ साथ हमने रेडियंस के बारे में जाना है, रेडियंस में एंगल को कैसे मेजर करते हैं। तो 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6 हो गया, ठीक है, 180/6 मींस 30 डिग्री, और यहाँ पे 45 डिग्री का मतलब पाई बाय 4 हो गया, मतलब हम यहाँ पे रेडियंस में एंगल को मेजर करेंगे इस बार। तो यहाँ पे अगर इन सारे पॉइंट्स को हम देखें, हम एक एक करके यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, चलो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है 0.0, देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाई बाय 6 पे 1/2, तो यानी कि पाई बाय 6 पे 1 और 0 के बीच, यानी कि हाफ पे, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया इस जगह। फिर उसके बाद पाई बाय 4 पे 1/√2, ये थोड़ा और बड़ी वैल्यू होगी, तो पाई बाय 4 पे अप्रोक्स यहाँ पे 1 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे पॉइंट लगेगा। फिर उसके बाद पाई बाय 3 पे √3/2, और थोड़ा वैल्यू ज्यादा राइज होगा, पाई बाय 3 पे यहाँ पे वैल्यू आएगा, और जैसे ही हम 90 डिग्री तक जाते हैं साइन की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। यानी कि साइन 90 डिग्री पे, यानी पाई बाय 2 पे साइन मैक्सिमम वैल्यू देता है जो कि होती है 1 के इक्वल, जो कि तुम यहां देख सकते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अब यहाँ पे मैंने आगे की वैल्यूज शो नहीं की हैं, बट तुम्हारे पास इस बार साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अगर तुम चाहो आगे की वैल्यूज निकाल के देख सकते हो। 90 के आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं वहां पे साइन एक्स की वैल्यू कम होने लगती है और यहाँ पे ये ग्राफ डिक्रीज होने लगता है ऐसे। जैसे ही हम 180 डिग्री तक पहुंचते हैं, कैलकुलेटर में तुम डाल के देखना साइन ऑफ 180 डिग्री, कैलकुलेटर ना हो तुम ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, साइन ऑफ 180 डिग्री क्या होगा? साइन ऑफ 180 डिग्री वापस से 0 आ जाता है, यानी कि ग्राफ का यहाँ पे डायरेक्शन कैसे है, पहले वैल्यूज राइज होती हैं 90 डिग्री तक, फिर उसके बाद 90 डिग्री से ज्यादा जैसे ही हम वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं, डिग्री में बात करूं बाकी रेडियंस में यहाँ लिखा हुआ है, तो पाई बाय 2 से जैसे ही हम आगे आते हैं, यानी 90 डिग्री से जैसे ही हम आगे जाते हैं, साइन की वैल्यू डिक्रीज होते 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 0 तक आ जाती है। फिर इसका बिहेवियर यहाँ पे रुकता नहीं है, फिर क्या होता है, जैसे ही 181 डिग्री हम जाएंगे या 182 डिग्री हम जाएंगे,
साइन का ग्राफ यानी कि जो वाई में वैल्यू हमारा आएगा वो निगेटिव की तरफ जाने लगता है, यानी कि निगेटिव वैल्यूज में मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये कहाँ तक होता है? ये तुम्हारा 270 डिग्री तक जाता है। 270 डिग्री पे साइन ऑफ 270 डिग्री तुम्हें मिलेगा -1। देख लो -1 यानी जस्ट ऑपोजिट, यानी निगेटिव में वैल्यू मिलने लगता है तुम्हें साइन 3π/2 पे, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। फिर उसके बाद में जैसे ही हम 2π/180 पे जाएंगे अगेन तुमको यहाँ पे 0 मिल जाएगा साइन का वैल्यू। तो साइन का ग्राफ कुछ एक लहर की तरह होता है, जैसे वेव्स होती हैं समुद्र में, तो एक वेव की तरह तुम इसको इमेजिन करो, एक वेव की तरह इसका ग्राफ चलता है। तो यहाँ पे तो मैंने एक पार्ट ऑफ ग्राफ बनाकर दिखाया था, तो यहाँ पे कुछ हद तक एक कंप्लीट ग्राफ तुम देख सकते हो साइन का। तो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 से स्टार्टिंग होती है और वेव फॉर्म में इस तरह ट्रेवल करता जाता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पे होती है? देखो π/2 पे +1 वैल्यू है, उसके बाद 3π/2 पे -1 -1 वैल्यू है। 0 ये कहाँ कहाँ पे दे रहा है? पाई पे यानी कि 180 डिग्री पे तुम्हें 0 देगा, फिर 2π पे ये तुम्हारा हो जाएगा 360 डिग्री। सो पाई एंड 2π, उसके बाद 3π पे 0 देगा, उसके बाद 4π पे। यानी कि यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है, इसका बिहेवियर हमें जो बता रहा है दैट साइन ऑफ n π, तुम n यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो 1, 2, 3, 4, यानी कि 1π, 2π, 3π, 4π, सब पे ही साइन क्या करेगा? रिपीटेडली तुम्हें 0 वैल्यू देता जाएगा। तो ये साइन के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना साइन गिव्स 0 एट एवरी मल्टीपल ऑफ पाई, हर मल्टीपल ऑफ पाई पे तुम्हें 0 वैल्यू मिलता है, याद रखना है। तो ये है बिहेवियर ऑफ साइन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना? जब भी हम वेव्स की बात करते हैं फिजिक्स में, अभी तुम आगे पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स, तो वहां पे हम साइन के ग्राफ का काफी ज्यादा यूज करते हैं वेव्स के बिहेवियर को समझाने के लिए, तो वहां पे इसका यूज होता है। एंड एक और एग्जांपल देता हूँ हम लोग की रियल लाइफ से, जैसे तुम लोगों ने सुन रखा होगा जो इन्वर्टर्स हम घर में लगाते हैं, अक्सर बोला जाता है साइन वेव इन्वर्टर है। अब ये साइन वेव का मतलब क्या होता है? तुम सबको पता होगा कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट की होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट नहीं होता। डायरेक्ट करंट जो बैटरी से निकलता है वैसी ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक नहीं आती। हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हर सेकंड 50 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, यानी कि प्लस माइनस रिवर्स हो रहा होता है, पोलैरिटी रिवर्स हो रही होती है एक सेकंड में 50 टाइम्स। तो बेसिकली वहां पे जो रिवर्सल होता है पोलैरिटी का, वो भी ऐसे नहीं होता कि झटके से हो रहा है, वहां पे भी वेव फॉर्म में ही पोलैरिटी का रिवर्सल होता है। तो वहां पे भी जो तुम्हारा वेव बनता है इलेक्ट्रिसिटी का वो तुम्हारा साइन वेव होता है। जो हमारा इन्वर्टर होता है वो बैटरी के डायरेक्ट करंट को साइन वेव में कन्वर्ट कर रहा होता है अल्टरनेटिंग करंट के, इसीलिए बोलते हैं साइन वेव इन्वर्टर। तो वहां पे भी एक तरह से साइन के ग्राफ का यूज हो रहा है समझने के लिए। तो इसीलिए जितने भी ग्राफ्स हैं इनका काफी ज्यादा यूज होता है रियल लाइफ की चीजों को समझने में, तो इसीलिए ग्राफ्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और साथ में अगर बात करें यहाँ पे क्लास 11 मैथ्स की, तो उसमें तो काम आएगा ये। तो चलो साइन का ग्राफ हो गया, अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉस के ग्राफ की। तो कॉस के ग्राफ के लिए भी वही सेम प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू चाहिए होंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू चाहिए होंगे, तभी हम यहाँ पे इसका ग्राफ बना पाएंगे। देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। कॉस की वैल्यू 0 से 90 तक के मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखी है। 0 डिग्री पे कॉस का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है। ये वैल्यूज जस्ट रिवर्स हैं साइन वैल्यूज के, राइट। तो यहाँ पे उल्टा होता है, कॉस 0 जब होगा तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। तो देख लो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम इन वैल्यूज को प्लॉट कर दें, तो यहाँ पे x में 0 डिग्री पे देखो पॉइंट कहाँ पे आएगा, कॉस की वैल्यू होगी 1। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पाई बाय 2 तक, यानी 90 डिग्री तक पहुंचेंगे, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस की वैल्यू हो जाएगी 0 यहाँ पे, यानी कि 0 के सामने ही पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस का ग्राफ साइन से थोड़ा सा अलग इस मामले में है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है मैक्सिमम वैल्यू से और कॉस का ग्राफ धीमे धीमे डिक्रीज कर रहा है यहाँ तक। फिर इसके बाद जैसे ही हम पाई बाय 2 के आगे की वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं कॉस में, कॉस क्या करता है हमें निगेटिव वैल्यूज देना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए ये ग्राफ देखो निगेटिव रीजन में जा रहा है, फिर ये निगेटिव वैल्यूज देगा कब तक, जब हम आ जाएंगे 3π/2 पे। 3π/2 पे अगेन ये 0 पे आ जाता है। 3π/2 के आगे जब हम इसमें और बड़े एंगल्स रखना स्टार्ट करेंगे तब ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगेन 2π पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी 1, उसके आगे यानी कि 180 डिग्री के आगे जब हम एंगल्स रखेंगे तो अगेन इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। तो ये कॉस का बिहेवियर है। अब अगर इसको देखो तो ये साइन के ग्राफ से मिलता जुलता है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट ना होने की जगह ये थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होता है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है यहाँ पे। एक तरह से वेव ये भी बना रहा है, बट ये वाली वेव शुरुआत से ही मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रही है। जो साइन का ग्राफ था उसमें डिफरेंस ये था कि साइन के ग्राफ में यहाँ पे था, साइन के ग्राफ में
यहाँ से मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा था, बट कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा ही फर्क होता है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से तुम लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो कॉस का अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट ग्राफ। कॉस के ग्राफ को अगर हम आगे पीछे कंप्लीट कर दें तो ये कुछ इस तरह का होगा। इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ऐसे जाएगा, उसके बाद इसकी वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होती है ध्यान देना, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा, कि कॉस की वैल्यू 0 होगी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे। कॉस की वैल्यू 0 होगी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे, यानी कि कॉस ऑफ 2n+1 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे पाई बाय 2 के, वहां वहां पे कॉस 0 वैल्यू देता है। देख लो पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है कॉस, उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे, उसके बाद यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा 5 पाई बाय 2, फिर उसके बाद 5 के बाद अगला ऑड 7 पाई बाय 2, फिर उसके बाद 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, उसी तरह माइनस में भी माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2 और यहां पे माइनस 5 पाई बाय 2। तो जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हैं, ऑड नंबर लगा के पाई बाय 2 तुम लिख दो, वहां वहां पे कॉस तुम्हें 0 वैल्यू देता है। ये बताता है हमें कॉस का ये ग्राफ। तो इसीलिए कॉस का ग्राफ भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हमें कॉस फंक्शन के बिहेवियर के बारे में समझाता है, कि कॉस का फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे कि साइन वाला फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन था, और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होती रहती है थोड़े थोड़े टाइम पे, और कहाँ कहाँ पे वैल्यूज हमें 0 मिलेंगी, कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम 1 वैल्यू मिलेगा, कहाँ कहाँ -1 वैल्यू मिलेगा, ये समझने में काफी ज्यादा हेल्प करता है ये ग्राफ। तो इसीलिए ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसका मैं तुम्हें एक प्रॉपर डायग्राम दिखा देता हूँ। तो एक वेबसाइट है डेस्मोस, वहां पे जाके तुम इसको देख सकते हो। ये वेबसाइट बेसिकली एक ग्राफ कैलकुलेटर प्रोवाइड करती है, जहां पे तुम अपने फंक्शंस को इनपुट करके उनके ग्राफ के बारे में देख सकते हो। तो जैसे कि साइन एक्स के ग्राफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का मतलब साइन एक्स में यहाँ पे एंगल्स जाते जाएंगे रेडियंस में। यहाँ पे मैंने रेडियंस में एक्स एक्सिस में देखो रेडियन में एंगल प्लॉट कर रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे फंक्शन बन के आ गया। यहाँ पे बेसिकली ये वही फंक्शन है जो साइन का फंक्शन ने बनाया था पीछे। तो देख सकते हो उसको, इसका बिहेवियर कैसे है। जीरो पे इसकी मिनिमम वैल्यू है, जैसे जैसे हम रेडियंस में आगे जा रहे हैं, यहाँ पे पाई बाय 2 होगा। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देख लो यहाँ पे पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 1 तक जाती है। यहाँ पे 1 होगा एक्चुअली, अब आ गया। तो यहाँ पे 1 आ रहा है वैल्यू किस पे, पाई बाय 2 एंगल पे, यानी 90 डिग्री पे। पाई पे जाने पे 0 हो जा रहा है। तो ये साइन का बिहेवियर है। और अगर इसको मैं जूम आउट करूं, तुम लोग एक चीज देखोगे, ये कभी एंड नहीं होगा, एंगल बढ़ता जाएगा और ये वेव बढ़ती जाएगी इनफाइनाइट तक। तो ये निगेटिव में भी इनफाइनाइट एंगल्स तुम इसमें प्लॉट करते, मतलब देते जाओगे, इसका ग्राफ बनता जाएगा उधर, ये पीरियोडिक फंक्शन चलता जाएगा इनफाइनाइट के लिए, ये कभी रुकेगा नहीं। तो ये इनफाइनाइट फंक्शन है, इनफाइनाइट वैल्यूज तक ये तुम्हें आउटपुट देता जाएगा। यानी कि इस फंक्शन के अंदर एक्स का हम कोई वैल्यू रखें, ये हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा ही देगा। तो यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं इस फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पे साइन के फंक्शन के बारे में हम एक चीज कह सकते हैं, दैट इसका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन के अंदर हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन में हम सारे ही रियल नंबर्स की वैल्यूज रख सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर तुम उठा के रख दो, वो यहाँ साइन के फंक्शन में रखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करें कि ये कौन कौन सी वैल्यू हमें देगा, तो अगर इसका ग्राफ देखो तो मैं रेंज यहाँ पे आराम से पता लग जाएगी। इसका ग्राफ देख लो एक बार फिर से, ये है ग्राफ। इसमें हम कोई वैल्यू रखें, चाहे पॉजिटिव में इनफाइनाइट की वैल्यू रखें, चाहे निगेटिव में इनफाइनाइट की वैल्यू रखें, इसका जरा रेंज देखो ये कहां तक मैक्सिमम जा पा रहा है। तुम इसमें वैल्यू कुछ भी रखो, या तो ये मैक्सिमम 1 तक जा रहा है या मिनिमम -1 तक जा रहा है। इसके आगे तो इसकी वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू आ नहीं रही है, y एक्सिस का मतलब हमारा आउटपुट यहाँ पे। तो यहाँ पे ना तो ये 1 के ऊपर की तुमको वैल्यू कभी देगा और ना तो -1 के ऊपर की वैल्यू देगा। तुम चाहे इसमें 1 करोड़ डिग्री एंगल रख दो, कुछ भी रख दो, ये तुम्हें 1 और -1 से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं देगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हमारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल में -1, 1। क्लोज इंटरवल मैंने क्यों कहा, बिकॉज ये -1 और 1 वैल्यू भी देगा साथ में, और बाकी इनके बीच की सारी वैल्यूज तो देगा ही देगा। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज। रेंज का मतलब क्या हो गया, ये y एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू तुम्हें दे रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स वाले फंक्शन में ये y एक्सिस पे कौन कौन से तुम्हें वैल्यूज दे सकता है। तो ये है साइन के बारे में। अब अगर हम कॉस की बात करें, कॉस फंक्शन भी हमने देखा था, तो कॉस फंक्शन भी साइन फंक्शन के जैसा ही होता है। यहाँ पे देख लो, कॉस वाला फंक्शन भी साइन वाले फंक्शन के जैसे ही होता है। अगर यहाँ पे मैं कॉस फंक्शन प्लॉट करूं तो देख लो मिलते जुलते फंक्शंस हैं, बस कॉस वाला जो ये ब्लू कलर का फंक्शन बन के आया है, मैं साइन हटा देता हूँ,
तो ब्लू वाला फंक्शन साइन वाले फंक्शन से, देख लो कॉस वाला जो फंक्शन है साइन वाले फंक्शन से बस थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है, और कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हाइट भी सेम है, 1 से माइनस 1 के बीच ही ये जा रहा है, और यहाँ पे सारा का सारा ग्राफ बस शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा इस साइड, लेफ्ट साइड। तो यानी कि कॉस के फंक्शन की अगर हम बात करें तो कॉस का फंक्शन भी साइन के फंक्शन जैसे ही होगा, बस थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होगा। और कॉस का फंक्शन सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अक्रॉस, देख लो वाई एक्सिस ऐसे है, तो वाई एक्सिस के आगे जैसे फंक्शन है वाई एक्सिस के पीछे भी सेम उसी तरह का सिमेट्रिक फंक्शन है ये। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से ऐसे जा रहा है फंक्शन, 2π पे ये पूरा फिर से मैक्सिमम वैल्यू देगा, और कहां कहां पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है वो देख लो, ये देखो पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, 3π बाय 2 पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, 5π बाय 2 पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। यानी कि ये फंक्शन जीरो वैल्यू कहां कहां पे दे रहा है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे। तो यही चीज हमें ग्राफ एक्सप्लेन कर रही है, ग्राफ कैसा है एक वेव टाइप का, वेव क्या होती है लहर, तो लहर जैसे ही है जैसे साइन का फंक्शन था, और यहाँ पे ये हमें यही बता रहा है कि कॉस का फंक्शन कहाँ कहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यूज देगा और किन किन पॉइंट्स में हमें मिनिमम वैल्यू देगा। अब ये इनफाइनाइट तक का ग्राफ हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये जैसा तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है इतने रीजन में ये रिपीट करता जाएगा अपने आप को आगे वेव की तरह। तो यानी कि अगर इसका एक पार्ट ऑफ फंक्शन भी हम याद रखें दिमाग में, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 0 डिग्री से लेके हम सपोज पाई तक भी याद रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे का यहाँ पे प्लॉटिंग करके निकाल सकते हैं कि आगे के एंगल्स के लिए ये इसकी वैल्यू क्या क्या होंगी। कुछ पॉइंट्स पे हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे पेपर पे, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स पे हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ 1 होगी, कहाँ कहाँ 0 होगी, या कहाँ पे -1 होगी। तो ये चीज को निकालने में ग्राफ हमारी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे डोमेन कॉस का भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स, बिकॉज कॉस के अंदर भी हम सारे एंगल्स दे सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक हो चाहे नेगेटिव में इनफाइनाइट तक हो। फिर रेंज की यहाँ पे बात करें तो कॉस फंक्शन की भी जो रेंज होती है वो सेम जो साइन की है वही होगी, -1 से 1 तक, ठीक है। तो यहाँ भी सेम रेंज एंड सेम यहाँ डोमेन हो जाएगा कॉस वाले फंक्शन का भी। सो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं टैन वाले फंक्शन की। सो टैन के बारे में थोड़ा सा हमें डिफरेंटली सोचना पड़ेगा साइन और कॉस के अलावा, क्यों, बिकॉज टैन एक्स का जो वैल्यू होता है वो आता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स से, तो साइन और कॉस का रेशियो होता है टैन, तो रेशियो आ गया। अब रेशियो में दिक्कत क्या है कि रेशियो में कभी भी, या जो फ्रैक्शन होता है उसमें कभी भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि कॉस ये जो है नीचे कॉस एक्स आ रहा है, कॉस की वैल्यू एक जगह जीरो होती है, और जैसे ही कॉस की वैल्यू जीरो होती है वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे बन जाता है अनडिफाइंड, जो कि हमें मैथ्स में एकदम नहीं पसंद है। मैथ्स में अनडिफाइंड का मतलब है हम उस वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस अनडिफाइंड की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए उसको अनडिफाइंड या इन्फिनिटी बोला जाता है, इन्फिनिटी भी नहीं, इसको अनडिफाइंड ही कहेंगे बेसिकली यहाँ पे। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे कॉस जीरो होगा, क्यों, बिकॉज टैन के फॉर्मूले में कॉस नीचे डिनोमिनेटर में, जहाँ कॉस जीरो हो जाएगा वहां पे टैन का फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ये बात दिमाग में रखना। जहां पे कॉस का वैल्यू जीरो होगा जिस एंगल के लिए, उस एंगल के लिए तुम्हें टैन कोई वैल्यू नहीं देगा। तो यानी कि अगर टैन के हम यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो टैन 0 0 होता है, टैन 31/√3 होता है, टैन 45/1 होता है, टैन 60 की वैल्यू √3 होती है, और जैसे ही टैन 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री पे टैन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। ऐसा क्यों, बिकॉज टैन 90 साइन 90 तो 1 होगा, बट कॉस 90 क्या होता है, 0, तो कॉस 90 0 हुआ, इसका मतलब टैन की वहां पे वैल्यू अनडिफाइंड चली जाती है। तो अगर इसी को हम ग्राफ पे बनाएं तो ये क्या होगा, देखो टैन की वैल्यू यहां से प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, टैन 0 0 हो गया, यहां पे पॉइंट हमने लगाया, टैन 30 डिग्री 1/√3 अप्रोक्स यहां कहीं आएगा पॉइंट, फिर टैन 45 1 होता है, तो यहां पे 1 मान लो है इस जगह पे, यहां 1 लिख देते हैं, तो यहां पे हमने पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद टैन 60 की वैल्यू √3 और बड़ी होगी, 1.732 होगी, तो टैन 60 पे √3 वैल्यू आ गई, 1 से बड़ी वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद टैन 90 तक जैसे ही हम गए वहां पे वैल्यू टैन की होगी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब एकदम ऊपर चले गए, हमें नहीं पता कहां पे ये लाइन मीट करेगी, मीट करेगी भी नहीं। सो क्योंकि यहां 90 डिग्री पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, इसीलिए हम इस ग्राफ को ऐसे शो कर देते हैं कि ये इससे मीट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए हम इस लाइन को बोलते हैं एसिम्प्टोट।
इसीलिए इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जहां पे तुम्हारा ग्राफ कभी मीट ही नहीं करेगा और वो ग्राफ तुम्हारा एक अनडिफाइंड वे में चला जाएगा, यानी कि टैन 90 पे तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। सेम चीज अगर इसको निगेटिव में ऐसे बना दूं तो ये पूरा एक कर्व इस तरह बन के आ जाता है, -π/2 यानी -90° पे भी नीचे अनडिफाइंड जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, यही चीज कॉपी होती जाती है आगे और पीछे। अगर इसको हम कंप्लीटली देखना चाहें तो यहाँ पे मैं तुम्हें कंप्लीट इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, देख लो। यहाँ पे अगर tan x की हम बात करें तो tan x का एक कंप्लीट ग्राफ यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये है tan x का एक कंप्लीट ग्राफ, ये है। जहां जहां पे देख लो, यहाँ पे 0 पे 0° है। इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपैंड कर देता हूँ तब मैं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे tan 0 पे इतना है, उसके बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे यहाँ पे π/2 तक, यहाँ पे π/2 आया, π/2 पे तुम्हें tan का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ना तो नीचे ना तो ऊपर। बेसिकली ग्राफ ये ऊपर को जा रहा है और यहाँ पे ये कभी भी टच नहीं होगा इससे, इसीलिए ये एक एसिम्प्टोट है π/2 एंगल। उसके बाद आगे हम पाई पे जाएंगे, यहाँ पे भी tan का वैल्यू 0, फिर ये फंक्शन ऐसे आगे जाएगा तो 3π/2 पे अगेन ये इनफाइनाइट होगा, यानी कि cos जहां जहां पे तुम्हें 0° दे रहा था, अगर हम cos के फंक्शन को भी बना लें तो देख लो ये जो ब्लू कलर का कर्व है ये तुम्हारा cos का फंक्शन है। तो cos जहां जहां पे तुम्हें 0 दे रहा था, π/2 पे देखो cos 0 है, वहां वहां पे tan अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से तुम फंक्शंस का बिहेवियर समझ सकते हो। सो बेसिकली tan का ये फंक्शन देख के हम tan के बिहेवियर के बारे में भी समझ सकते हैं कि tan का फंक्शन कैसे बिहेव करता है, कहां कहां पे अनडिफाइंड वैल्यूज हमें देता है और क्यों देता है, वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया है। जहां जहां जिस पॉइंट पे cos उस एंगल की वैल्यू 0 होगी, वहां वहां पे tan का फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया tan का फंक्शन। अब इसी का ऑपोजिट होता है cot का फंक्शन। cot के फंक्शन में क्या होगा, sin तुम्हारा नीचे आ जाता है, वो हो जाता है cos θ / sin θ। तो जहां जहां sin θ 0 होता है वहां वहां cot वाला फंक्शन अनडिफाइंड जाएगा। तो cot के फंक्शन को हम देखते हैं, देख लो ये आ गया cot का फंक्शन। साइन एन पाई होता है 0, एन पाई यानी 1π, 2π, 3π, जितने भी पाई होंगे वहां वहां साइन 0 होता है। तो ये देखो cot का फंक्शन पाई रेडियन पे वहां पे अनडिफाइंड जाएगा। पाई पे देखो इस बार cot का फंक्शन अनडिफाइंड जा रहा है ऊपर की तरफ। सेम tan की तरह है, tan का फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, cot का फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा, क्यों, बिकॉज cot डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cos के, अपॉन में साइन आ रहा है। तो साइन का तुम्हें ध्यान ये रखना है कि साइन जहां जहां 0 होगा वहां वहां अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हो गया cot का फंक्शन। फिर हम बात करें sec के फंक्शन की, तो sec का फंक्शन यहाँ पे देख सकते हो इस तरह होगा। sec और cos को तुम एक साथ लेके चलो, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का फंक्शन ये हमारा है sec और ये जो ब्लू कलर का फंक्शन है ये हमारा है cos। तो जहां जहां पे cos का वैल्यू 0 हो रहा है वहां वहां पे sec का फंक्शन तुम्हारा अनडिफाइंड जाएगा, क्यों, बिकॉज 1/cos होता है sec। तो यानी कि cos जहां जहां 0 होगा वहां वहां sec क्या होगा, अनडिफाइंड। cos 0 कहां कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। तो π/2 देख लो कहां कहां है, π/2 हमारा है एक तो यहां पे है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको, π/2 -π/2। तो π/2 पे cos क्या देगा, 0 देगा। तो cos 0 हो गया sec के लिए, डिनोमिनेटर 0 हो गया, यानी कि sec θ वहां वहां कहां जाएगा, अनडिफाइंड पे। देख लो ऊपर जा रहा है ग्राफ ऐसे, तो यानी कि sec अनडिफाइंड हो जाएगा -π/2 पे और π/2 पे। फिर आगे अगर आओगे तो आगे यहाँ पे जब cos का ग्राफ निगेटिव होगा तो देखो sec भी तुम्हारा निगेटिव साइड ऐसे ग्रो कर रहा है, और कैसे ग्रो कर रहा है, π/2 पे देखो निगेटिव में भी ऐसे अनडिफाइंड ये जा रहा है -∞ की तरफ। तो यानी कि कहां कहां पे ये अनडिफाइंड होगा वो तुमको ध्यान में रखना है, बाकी ऐसे ग्राफ ये बन के आएगा। तो यहां पे कुछ बातें हम इसके बारे में देख लेते हैं। चलो एक चीज और हमने tan के बारे में नहीं लिखा तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। tan में बेसिकली डोमेन क्या होगा, डोमेन तुम्हारा हो जाएगा, हम यहाँ पे सारे ही रियल नंबर्स रख सकते हैं tan में, लेकिन हम कौन कौन से एंगल नहीं रख सकते जहां पे अनडिफाइंड जाता है। अनडिफाइंड कहां पे जाता है tan, tan में sin upon cos होता है। तो जहां जहां cos की वैल्यू 0 होगी वहां वहां पे tan फंक्शन तुम्हारा अनडिफाइंड जाएगा। तो cos की वैल्यू 0 कहां कहां होती है, cos की वैल्यू 0 होती है तुम्हारी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे x such that x belong to real number और कॉमा 2n+1 π/2। तो ये बेसिकली हो जाएंगे सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। रियल नंबर्स में से हम सारे ही रियल नंबर्स रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये वाले रियल नंबर्स नहीं रख सकते, क्यों, बिकॉज यहाँ पे tan अनडिफाइंड हो जाता है। और बाकी रेंज की हम बात करें तो रेंज तुम्हारी कहां से कहां तक हो जाएगी, tan का फंक्शन यहाँ पे तुम देख लो कहां से कहां तक की वैल्यू देता है। तो यहाँ पे tan का फंक्शन तुम देख लो कहां से कहां तक की वैल्यू दे रहा है, y एक्सिस पे ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक भी जा रहा है और
नीचे निगेटिव इनफाइनाइट तक भी जा रहा है। तो यानी कि आउटपुट में तो ये सारे ही रियल नंबर्स में रियल वैल्यूज दे रहा है, तो इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉट की। तो कॉट के केस में ऑल रियल नंबर्स, लेकिन कॉट कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड जाता है, बस वो वाले एंगल्स यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं। तो ये कॉट अनडिफाइंड कहाँ जाएगा, जहां तुम्हारा साइन जीरो होगा, बिकॉज कॉट के केस में कॉस अपॉन साइन होता है, तो साइन नीचे आता है, साइन जहां जहां जीरो डिग्री होगा वहां वहां पे हम वो वैल्यूज नहीं रख सकते कॉट वाले फंक्शन में। यानी कि साइन जीरो कहां कहां पे होता है, एन पाई पे। तो यहां पे हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू r, और यहां पे हो जाएगा n पाई। ठीक है, तो n पाई यानी कि कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई होगा वहां पे साइन का वैल्यू क्योंकि जीरो होता है, कॉट वहां पे अनडिफाइंड चला जाएगा। तो इनके अलावा सारे ही रियल नंबर्स हम रख सकते हैं डोमेन में। फिर हम बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, सो यहाँ पे भी इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस हो गए टैन और कॉट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक फंक्शन की। तो सेक वाले फंक्शन में हमने क्या देखा था, सेक वाले फंक्शन में हम सारे ही एंगल्स रख सकते हैं, लेकिन कौन से एंगल नहीं रख सकते, जो हम यहाँ पे क्योंकि सेक होता है वन अपॉन कॉस, जहां जहां पे कॉस अनडिफाइंड होगा वो वैल्यूज हम नहीं रख सकते हैं। तो यानी कि ऑल रियल नंबर्स हम रख सकते हैं सेक में, लेकिन जहां जहां पे कॉस अनडिफाइंड हो रहा होगा, कॉस अनडिफाइंड कहाँ कहाँ पे होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और कहाँ कहाँ पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू, टू एन प्लस वन पाई बाय टू। यहाँ यहाँ पे कॉस तुम्हारा जीरो होगा, इसीलिए सेक तुम्हारा अनडिफाइंड होगा। तो इनके अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स हम यहाँ रख सकते हैं डोमेन में एक्स में। अब यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है ऑल रियल नंबर्स। ये तुम्हारा पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक जाता है, निगेटिव में भी इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन इसकी वैल्यूज कहाँ कहाँ पे नहीं आती हैं, किस रेंज में नहीं आती हैं, यहाँ पे देखो तब तुम्हें बिहेवियर समझ में आएगा इसका। तो यहाँ पे देख लो, पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक वैल्यूज जा रही हैं वाई में, निगेटिव में भी इनफाइनाइट तक जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यूज नहीं आ रही हैं। देख लो कौन सी, यहाँ पे वन है, और यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये तुम्हारा है माइनस वन। तो वन से लेके माइनस वन में तुम देखोगे यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं आ रही हैं, नो वैल्यूज किसकी, सेक में। तो सेक वाले फंक्शन में कोई भी वैल्यू वन और माइनस वन के बीच की नहीं आती है, वन भी आएगी माइनस वन भी आएगी एग्जैक्टली, बट उसके बीच की कोई वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करें, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट, निगेटिव में भी इनफाइनाइट, लेकिन वन से माइनस वन के बीच की वैल्यू, वन हो रहा है, तो यानी कि यहाँ हम लिखेंगे ओपन इंटरवल माइनस वन से वन तक का, ये माइनस कर देंगे ऑल रियल नंबर्स में से। तो बीच के नाम बीच के नंबर से यहाँ हटा दो, वन और माइनस वन के बीच के। तो ये सारे नंबर्स हटाने के बाद में जितने भी रियल नंबर्स बच रहे हैं वो हमारी हो जाएगी रेंज, मतलब पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक जाएंगी वैल्यूज, निगेटिव में भी इनफाइनाइट तक वैल्यूज जाएंगी। चलो इसके बाद लास्ट हम बात कर लेते हैं अभी कोसेक फंक्शन की। कोसेक, अब कोसेक को कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं और सी एस सी भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे अभी हमारा ये रहा फंक्शन कोसेक का। तो कोसेक का फंक्शन ऐसे है, सेम ये तुम्हारा सेक वाले फंक्शन जैसे ही है, बस यहाँ पे तुम्हें ध्यान किस बात का रखना है, कोसेक होता है तुम्हारा साइन का रेसिप्रोकल, यानी वन अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यानी कि जहां जहां पे साइन थीटा जीरो होगा वहां वहां पे कोसेक अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन एन पाई पे जीरो होता है, एन पाई मतलब यहाँ पाई पे देखो जीरो है, जीरो डिग्री पे जीरो है, तो जहां जहां पे साइन जीरो होगा वहां वहां पे कोसेक अनडिफाइंड चला जाएगा। तो साइन जीरो देख लो, यहाँ पे कोसेक जीरो अनडिफाइंड गया, साइन पाई यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ कोसेक अनडिफाइंड हो गया, टू पाई पे साइन का वैल्यू जीरो होगा इसीलिए यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव वो तुम्हें साइन के हिसाब से देखना है। अगर यहाँ साइन वाला भी हम ग्राफ प्लॉट कर दें तो देख लो ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा, ये जो रेड कलर वाला फंक्शन है साइन का है, जहां जहां साइन जीरो हो रहा है वहां वहां तुम्हारा कोसेक वाला ग्राफ अनडिफाइंड जा रहा है, और जहां जहां साइन का वैल्यू वन हो रहा है वहां वहां कोसेक का भी वैल्यू वन के पास आ रहा है। तो ये है यहाँ पे। तो अगर हम इसकी रेंज और डोमेन देखें तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो डोमेन होगा, डोमेन में हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर, सारे ही हम यहाँ पे एंगल्स को लिख सकते हैं, लेकिन हम वो एंगल्स नहीं रख सकते जहां पे साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है। यानी कि ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, और यहाँ पे साइन कहाँ कहाँ जीरो देता है, ऑल एन पाई पे,
तो इसीलिए एन पाई वाले एंगल्स हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि वहां वहां पे कोसेक अनडिफाइंड चला जाएगा। और इसकी रेंज की हम बात करें तो ये भी सिमिलर है ऊपर वाले की तरह, यानी कि सेक वाले फंक्शन की तरह। इसमें सारी रेंज तुम्हें मिलेगी पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक और नेगेटिव में इनफाइनाइट तक, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं मिलेंगी, माइनस वन से लेके वन तक। ये एक्सक्लूसिव है, यानी कि वन और माइनस वन वैल्यू तो मिलेगा बट उनके बीच की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए ओपन इंटरवल मैंने लगाया है राउंड ब्रैकेट के फॉर्म में। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी डोमेन और रेंज सारे ही फंक्शंस का। और यहाँ पे जितने भी ग्राफ्स मैंने दिखाए हैं आई होप तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से सारे ग्राफ्स यहाँ पे देख लो, ये सारे ग्राफ्स हैं। सबसे पहले साइन का ग्राफ है ये वाला, फिर आगे कॉस का ग्राफ ये हो गया, ये हो गया टैन का ग्राफ, ये हो गया कॉट का ग्राफ, ये हो गया सेक का ग्राफ और ये हो गया कोसेक का ग्राफ। अगर सारे ग्राफ्स हमें प्लॉट कर देंगे तो यहाँ पे एक खिचड़ी बन जाएगी जो तुमको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ एक एक करके देख लो, साइन और कॉस का ग्राफ ये हो गया, फिर उसके बाद इनको मैं गायब करूंगा, फिर टैन का ग्राफ देखो ये इनफाइनाइट जाता है ऊपर भी नीचे भी, फिर उसके बाद कॉट का ग्राफ सिमिलर है बट इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। टैन का ग्राफ ऐसे रहेगा उधर से इधर की तरफ, यानी इंक्रीजिंग होता है, और कॉट के ग्राफ की बात करें तो वो डिक्रीजिंग होगा, एंगल बढ़ने के साथ साथ कॉट का ग्राफ नीचे जाएगा। फिर हम बात करें सेक और कोसेक की, तो सेक और कोसेक के ग्राफ देखो ऐसे होते हैं, ऊपर भी इनफाइनाइट तक नीचे भी इनफाइनाइट तक, बस बीच के रीजन में इनकी कोई वैल्यूज नहीं होती है। जूम आउट कर दूं तो इस तरह का तुम्हें ग्राफ कुछ देखने को मिलेगा, ये सेक का है ये कोसेक का है, बस थोड़ा सा इनमें शिफ्ट है। तो साइन कॉस के ग्राफ एक जैसे होंगे, सेक कोसेक के ग्राफ एक जैसे होंगे और टैन और कॉट के ग्राफ लगभग एक जैसे होते हैं। सो आई होप तुम लोग को ये सारे ग्राफ्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो इसके बाद अभी हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे ये रहा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन है जिसका हमें ग्राफ बनाना है, इसको समझते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इसको ऐसे मैं लिख दूंगा वाई इज इक्वल टू टू कॉस थ्री एक्स। तो यहाँ पे ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। क्या मॉडिफिकेशन किए हैं उसको समझते हैं। पहली बात तो कॉस के अंदर यहाँ पे एंगल सिर्फ एक्स नहीं है, यहाँ पे है थ्री एक्स। तो 3x करने से क्या होगा, अंदर के एंगल जल्दी जल्दी चेंज होंगे। अगर हम x लिखेंगे 1 तो उसका 3 गुना अंदर एंगल यहाँ पे एज इनपुट यहाँ पे जा रहा है। साथ में यहाँ पे एक और भी चीज चेंज हुई है, दैट बाहर 2 लगा हुआ है, तो इसकी वजह से जो ग्राफ का एम्पलीट्यूड है जो पहले 1 से माइनस 1 तक जा रहा था वो इस बार बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ तक, प्लस 2 से माइनस 2 तक जाएगा। ये चीज चेंज हो जाएगी ग्राफ में। और दूसरी चीज यहाँ पे कॉस के अंदर का जो एंगल है वो जल्दी जल्दी चेंज होगा, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, पहले जो फ्रीक्वेंसी सिर्फ x थी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वैसे ही हम बनाएंगे, पहले x और y की वैल्यूज लिखेंगे उसके बाद उनको प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस फंक्शन के लिए कुछ वैल्यूज लेके चलते हैं। तो मैंने x लिखा और उसके बाद जो हमारा y था इसको यहाँ पे लिख लिया, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ एंगल्स मैंने लिए हैं जैसे कि पाई बाय 6, उसके बाद पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई, उसके बाद इन सारे ही एंगल्स के लिए मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के वैल्यूज लिख दिए हैं। ये तुम निकाल सकते हो साइड में अलग अलग एंगल्स के लिए। तो जब ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी यहाँ पे, ये तुम्हारी एक्स की वैल्यूज हो गई और ये तुम्हारी वाई की वैल्यूज हो गई। तो एक एक पॉइंट को, यानी कि पाई बाय 6 कॉमा 0 इसको प्लॉट करेंगे, पाई बाय 6 कॉमा 0 ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ पे पाई बाय 6 होगा। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हमको प्लॉट करने हैं, फिर पाई बाय 3 कॉमा माइनस 2, पाई बाय 3 कॉमा माइनस 2, पाई बाय 3 लगभग यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो पाई बाय 3 पे देखो माइनस 2 वैल्यू। तो इसी तरह कॉस का हमें बिहेवियर पता है, इस तरह होता है, ये एक्सिस है, तो कॉस का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो x जब 0 होगा तब ये मैक्सिमम तुम्हें देगा। तो वही चीज देखो यहाँ पे बनाई गई है, बस इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया 2 तक चला गया और माइनस 2 इनके बीच इसका एम्पलीट्यूड जाएगा। और क्योंकि अंदर 3x था तो अब ये जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, जब कॉस का ग्राफ हम बनाते थे तो वो 0 कहाँ होता था, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे जाके 0 होता था, बट क्योंकि यहाँ 3x हो गया है तो इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ गया है तो इसका ग्राफ का जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह इसको कंप्लीट कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। बाहर अगर कोई नंबर लगा है तो उससे ग्राफ का आउटपुट एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और अगर अंदर हमने कोई मल्टीपल लगाया है तो उससे ग्राफ की फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। तो यही चीज तुमको समझ के वैल्यूज को लिख लेना है, उसके बाद उस ग्राफ को प्लॉट कर देना है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, इसका ग्राफ तुम लोग प्लॉट करने की कोशिश करना, इसके बारे में थोड़ा बहुत नेट पे सर्च करना और इसको बना के देखना। सो ये है क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो एंड इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने की कोशिश जरूर करना। एंड अगर नहीं हो पाता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ग्राफ ड्रॉ करके बता दूंगा। सो आई होप जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन की है समझ में आ गई होंगी। सो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।
एंड हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग क्वेश्चंस, जो कि क्लास 11th लेवल के अकॉर्डिंग होंगे, एंड वहां पे हम देखेंगे कि टफ क्वेश्चंस को भी आसानी से कैसे सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। तो हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।